हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम सीखेंगे कि बहुत ही सुंदर सा एक पैटर्न, एक छोटी छोटी बूटियों की तरह पैटर्न दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी किड्स स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन स्वेटर, कहीं पर भी इसे आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे डालने के लिए हमें चाहिए होगा 4 का मल्टीपल, प्लस 3 प्लस 2 एज स्टिचेस रहेंगे और इसमें टोटल रोज हैं फ्रेंड्स 4। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डेमोंस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स पूरे 29 स्टिचेस लिए हैं और इसे हम रॉन्ग साइड से डालना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो आपका जो भी बॉर्डर है उसे राइट साइड तक आप बना लीजिए, फिर रॉन्ग साइड से हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारी रो वन है। अब देखिए, रो वन में हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे दूसरी तरफ धागा करके एक सीधा, ये चार का रिपीट रहेगा, तीन फंदे उल्टे और एक सीधा। पूरी रो में आपको यही फॉलो करना है, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और फिर एक फंदा सीधा, फिर यही रिपीट होगा, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। फ्रेंड्स, पूरी रो में ये रिपीट कर लीजिए। अब बिगिन होती है हमारी फ्रेंड्स रो टू राइट साइड। अब हमें राइट साइड में देखिए क्या करना है, पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे जो हमारा एज स्टिच है, फिर फ्रेंड्स धागा अपनी तरफ कर लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ। अब इधर हमें तीन फंदे बनाने हैं, तो हम इसके पीछे से इस वाले फंदे के देखिए इस तरह से इसके पीछे से हम पहले एक धागा एक इस तरह से बनाएंगे, फिर एक हम ऐसे राउंड लेंगे और इसके अंदर से इसको पीछे से बनाएंगे, एक के तीन हो गए ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे फंदे बना लेंगे, ये रिपीट पैटर्न रहेगा फ्रेंड्स हमारा, एक फंदा उल्टा, फिर एक के हमने तीन बनाए और दो फंदे उल्टे। अब रिपीट करेंगे, एक उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इसके पीछे से ऐसे निकालेंगे और एक लपेटा लेकर एक और बना लेंगे, एक के तीन बनाएंगे और दो उल्टे फंदे बना लेंगे, ये रिपीट करते रहेंगे फ्रेंड्स। अभी हम फिर से बता देते हैं, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, इसको हमें ऐसे सिंपल नहीं बनाना है, इसके पीछे से इस तरह से लूप लेना है, इसको थोड़ा ढीला ही रखेंगे और एक लपेटा लेकर उसको नीचे से बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इसके पीछे से इस तरह से लूप बनाएंगे, एक लपेटा लेंगे, इसको नीचे की तरफ से बनाएंगे, तो धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे। पूरी रो में आप ये रिपीट कर लीजिए। अब आती है हमारी फ्रेंड्स रो नंबर 3 रॉन्ग साइड। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ,
और यहाँ पे तीन फन जो हमने एक का तीन बनाया है इसे उल्टा बना लेंगे, इसके हमें उल्टे बनाने हैं तीनों फंदे। फिर धागा दूसरी तरफ, एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे। ये आप इस तरह से याद कर लीजिए, बीच में तीन फंदे सीधे आएंगे, तीन उल्टे आएंगे। जो उल्टा बनाएंगे हम वो वाले फंदे बनाएंगे जिसको हमने एक का तीन किया है, ठीक है। तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। ये पैटर्न फ्रेंड्स पूरी रो में फॉलो कीजिए। देखिए ये इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा बिगिनिंग में। अब चलते हैं रो फोर पे, हमारी लास्ट रो पैटर्न की। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे सीधा ही बनाएंगे, सीधा इन दो फंदों को एक साथ बनाएंगे इस तरह से, एक सीधा है एक उल्टा है, उसको हम इकट्ठा बना लेंगे। एक बीच में सीधा फंदा, उसके बाद जो एक सीधा फंदा है इसे हम फ्रेंड्स स्लिप करेंगे इस तरह से, और फिर एक सीधा फंदा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अब बीच में एक उल्टा फंदा बनाएंगे, ये हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा। एक दो तीन चार, धागा दूसरी तरफ, दो फंदों को एक साथ बनाएंगे, एक सीधा फंदा, एक फंदे को स्लिप करेंगे, अगले वाले फंदे को सीधा बनाकर उसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक को हम स्लिप करेंगे और उसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे आगे वाले से। रिपीट करेंगे फ्रेंड्स ये पूरा पैटर्न पूरी रो में। ये पैटर्न फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी बूटियों की तरह आता है, ये मेनली जैकेट्स में बहुत ही प्रिटी लगता है। आप इसे जैकेट्स में, किड्स कार्डिगन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप अपनी लाइक लिस्ट में सेव कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ये बनाना हो आगे फ्यूचर में, जब भी आपको पैटर्न की नीड हो आपको इजीली मिल जाए। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट है, ये रो वन से लेकर फोर तक है। रॉन्ग साइड से आपको स्टार्ट करना है, इस तरह से रॉन्ग साइड आपको दिखाई देगी। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको और पोर्शन बनाकर दिखा देती हूँ एक लुक के लिए कि किस तरह से आपको दिखाई देगा। रो वन से फोर तक हमने रिपीट करना है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये इसकी रॉन्ग साइड, एंड ये हमारी राइट साइड है। ये बहुत ही अच्छा उभरा उभरा सा दिखाई देता है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।